नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। मुंबई में ग्लोबल टी कॉफी एक्सपो का आयोजन, मुंबई के बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में यह देखिए वर्ल्ड टी एंड कॉफी एक्सपो के 7वें संस्करण का शानदार आयोजन किया गया है। चाय, कॉफी और उससे जुड़ी सामग्री बेचने वाली कंपनियों के लिए बिजनेस करने का यह बहुत सुनहरा अवसर है। 8 देशों की 65 से अधिक कंपनियां यहां पे स्टॉल्स लगाकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रही हैं। 21 नवंबर से 23 नवंबर तक चलने वाली यह प्रदर्शनी का उद्घाटन महामहिम सऊद अल मजरोई निदेशक शाहजहां हवाई अड्डा इंटरनेशनल फ्री जोन अथॉरिटी शाहजहां सरकार यूएई ने किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टी एंड कॉफी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु हर संभव प्रयास कर रहे हैं। Well, this event, the Tea and Coffee Expo, is very important. We do support the sector very much, and I'm happy to be the second time here in this exhibition in Mumbai. And I congratulate the organizers for all their achievements in this event. We as Safe Zone, Sharjah International Airport Free Zone, is dedicated to support investors from around the world, and especially from India. We have over 4,000 plus companies from India that are doing different businesses. Now what we want to do is to support and to provide incentives for tea and coffee industries, whether it is in licensing and facilitation of their operation, they want to do trading, manufacturing, packaging or service that industry as well. Our goal is to support them. Every customer today, he wants to have flexible options, tax incentives, they want ease of business, no red tapes. Our goal is to facilitate all that and give them a place where they can grow and export through Safe Zone. Joey itself is a very big market. Yes. And India has a very good relation, very good trade tie-ups, each and everything, whatever. That since the Modi government came into power in India particularly, this focus is very much strong in UAE particularly. So how you look at the future of the tea industry in Sharjah? Well, definitely. First of all, the relationship between UAE and India is very strong. The collaborations are not only in business, but in culture, in education, it's growing. And our goal is to facilitate and support all the needs of those investors. Now, any investor who will come to the free zone, he wants to take advantage of the logistics. पूरे साउथ एशिया का सबसे यूनिक एग्जिबिशन है जो सिर्फ और सिर्फ चाय और कॉफ़ी के ऊपर कंसंट्रेट करता है। इसमें चाय, कॉफ़ी और उसके रिलेटेड सेक्टर्स होते हैं, जैसे पैकेजिंग, वेंडिंग, शुगर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा के ऊपर प्रदर्शनी लगती है, जो प्योरली बिजनेस बढ़ाने के लिए है। इंडिया में आपको फूड के ऊपर बहुत शो मिलेंगे, लेकिन स्पेसिफिक टू टी एंड कॉफ़ी ये पूरे साउथ एशिया का एकमात्र एक्सपो है जो अब 7वें साल में आया है, और ये इंडस्ट्री के लोगों के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें वो आके बिजनेस नेटवर्किंग और बिजनेस कर सकें। इंडिया के अलावा और कौन से देश यहाँ पे पार्टिसिपेट? हमारे यहाँ कुल 8 कंट्री है। श्रीलंका है, पोलैंड है, चाइना है, नेपाल है, जापान है, और ऑफ कोर्स इंडिया है। लोग कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकती है, इस शो में हिस्सा लेके कंपनियों को इतना बड़ा मार्केटिंग फील्ड मिलता है, ऑल ओवर इंडिया का नेशनल एक्सपांशन मिलता है और नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। तो अगर कोई विजिटर भी होता है, उसको एक ही प्लेटफॉर्म में पूरा इंडस्ट्री कवर हो जाता है और पूरे इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। मेरा नाम तेची हेमू है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ स्मॉल टी ग्रोअर एसोसिएशन का, अरुणाचल प्रदेश स्मॉल टी ग्रोअर एसोसिएशन। हम लोग का वहाँ में सो फार 7 ब्रांड है ऑर्गेनिकली, जो बाय डिफॉल्ट तो 7 ब्रांड है। 7 ब्रांड को हम लोग ने डिस्प्ले किया है, एंड
अभी तक 60 ब्रांड हमने प्रोड्यूस किया है। उस 60 ब्रांड में भी कोई कोई ब्रांड में दो ब्रांड्स है, दो क्वालिटीज है। इससे कितना बिजनेस को फायदा होगा अरुणाचल प्रदेश एसटीएन एसोसिएशन को जो यहाँ पे एग्जीबिशन है? हम लोग तो पहला बार ये इंटरनेशनल एंड नेशनल में हम लोग पहला बार पार्टिसिपेट कर रहा है। एंड हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पार्टिसिपेट करने का, लोगों को हेल्दी टी पिलाने का है। हेल्दी टी हमारा जो चाय है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और आपको क्या बोलते हैं एरोमा है, क्योंकि इस जगह से बना के आया जो हिम यू नो फॉरेस्ट कवरेज वाला जहाँ यहाँ पूरा हमने लिखा हुआ है और मतलब अच्छा क्वालिटी चाय है, इसे हेल्दी टी कह सकता है। स्पेशली वाइट टी जो मैं खुद ही बनाता हूँ, मेरा अपना ब्रांड है, वाइट टी का इतना हेल्थ बेनिफिट है कि आप सोच नहीं सकता। इतना है कि वो कली से बनता है इसलिए इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड अच्छे हमने हम इसका माध्यम से मालूम हुआ कि अच्छे अच्छे लोग बड़े बड़े लोग वाइट टी ही जनरली प्रिफर करता है, तो इस हिसाब से हम सोचता है कि हम लोग का ये चाय को लोग अपनाएगा और वंस कोई टेस्ट करेगा इसको जरूर अपनाएगा। हम लोग का कोई मिलावट नहीं है, पैसे जैसे हमारा लुक्स है उसी से हमारा चाय भी प्योरिटी है, प्योर है। ऑर्गेनिक और हर्बल टी की मांग भी देश में भी बढ़ रही है, इसमें क्या है? मैं तो चाहता हूँ जो आदमी जिसको हेल्थ प्यार है, अपने हेल्थ को प्यार है, वो ऑर्गेनिक एंड हर्बल में ही जाएगा। एंड हर्बल इज ए मिक्सअप ऑफ टू थिंग्स, मेरा तो ऑर्गेनिक है, एक ही सिंगल ब्रांडेड में हम आ रहे हैं।